नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करते हैं, राजद का साथ छोड़ते हैं, महागठबंधन का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और एनडीए की सरकार बन जाती है। पहले तो विभागों के बंटवारे में लेकर के जो है संकोच निकलकर सामने आई, विभागों का बंटवारा जो है वो लेट हुआ। उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट होना है, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। लेकिन इसके पहले अफवाहों का बाजार भी गर्म है। गर्म बाजार बीजेपी को लेकर है। बीजेपी के विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उनके गायब होने की अफवाह जो है वो फैली थी, लेकिन इस अफवाह पर अब लगाम लगाया है और इस अफवाह पर रोक लगाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। दरअसल एलजेपी के जो मुखिया हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है कि मेरे साथ फ्लाइट में ही बीजेपी के विधायक शालिनी मिश्रा जो हैं वो दिल्ली से पटना आ रही हैं। उन्हें लेकर ये अफवाह उड़ाया गया था, उन्हें लेकर के ये झूठी बातें फैलाई गई थी कि वो बीजेपी से अलग होना चाहती हैं, वो बीजेपी से अलग हो रही हैं, इसीलिए वो बोधगया नहीं पहुंची हुई थी, प्रशिक्षण में नहीं पहुंची हुई थी। लेकिन तमाम अफवाहों पर लगाम लगा दिया, इन तमाम अफवाहों पर रोक लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा ने एक अपनी ट्वीट के जरिए। पहले तो आपको वो ट्वीट दिखाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या ट्वीट किया है और आखिरकार ये शालिनी मिश्रा हैं कौन जिनके लिए अफवाह फैलाया गया था कि वो गायब हो गई हैं। तो देखिए, जो ट्वीट आपकी इस वक्त आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा की है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ये लिखते हैं कि आश्चर्य है कैसे अफवाह व भ्रम फैलाए जाते हैं। सुर्खियों में है खबर, जदयू विधायक गायब, मोबाइल बंद। अरे भाई, खबरों में घसीटे जा रहे विधायकों में से एक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अभी मेरे साथ दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट में बैठी हैं। आखिर निजी व्यस्तता भी तो हो सकती है सबकी। बिहार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले ही राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों पर नजर बनाई हुई है। एक ओर जहां कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दी है तो देर शाम पटना लौटेंगे, वहीं बीजेपी के विधायक बोधगया प्रवास कर रहे हैं। राजद के सभी विधायक तेजस्वी यादव के घर पर बंद है, तो वहीं जदयू के विधायकों को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही है। दरअसल कल जदयू के मंत्री श्रवण कुमार के घर पर भोज का आयोजन किया गया था, वहीं खबरें सामने आई कि भोज में जदयू के तमाम विधायक जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे, जिनमें से एक केसरिया से विधायक शालिनी मिश्रा की भी खबर आई थी। उनकी अनुपस्थिति पर कई सवाल उठ रहे थे। वहीं शालिनी मिश्रा को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। ये जानकारी नहीं बल्कि रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि शालिनी मिश्रा दिल्ली में थी, इसी के कारण वह कल की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकी। बता दें कि अपने सोशल मीडिया एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया है। गौरतलब हो कि आज जदयू के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर शाम 5 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। बीते दिन सीएम नीतीश जब श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे थे तो वहां केवल 20 विधायक ही मौजूद थे, जिसके बाद सीएम नीतीश के नाराज होने की भी खबर सामने आई थी। वहीं कल यानी 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में सरकार अपने बहुमत साबित कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इसके पहले तमाम विधायक जो है, तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने अपने विधायकों को एकजुट करने के जुगत में लगे हुए हैं। तीनों जब श्रवण कुमार के आवास पर बैठक बुलाई गई उसमें शालिनी मिश्रा मौजूद नहीं थे और इन तमाम अफवाहों पर अब रोक लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, ये जानकारी देकर कि वो उनके साथ पटना आ रही हैं और दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में उनके साथ ही बैठी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।